हेलो एवरीवन, मैं हूं सतीश कुमार और स्वागत है फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल आज का डेमो में। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं सैमसंग की 55 इंचेस की 4K अल्ट्रा HD LED की, जिसका मॉडल है 55AU7500, जो कि एक 2022 का नया मॉडल है। तो क्या क्या सैमसंग आपको इसके अंदर फीचर्स दे रही है, क्या आपको नया दे रहा है, एक एक करके हम हर एक चीज़ की बात करते हैं। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं वीडियोस कैसे लगते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये है इसका यूज़र इंटरफेस। जो फर्स्ट जब आप टीवी को सेटअप करने के बाद यूज़ करते हो, सबसे पहले आपको यही देखने को मिलता है। इसके अंदर जो सबसे मेन चीज़ है वो है इसकी स्मार्ट हब। इसको हम स्मार्ट हब बोलते हैं, जहाँ पे एक ही जगह पे आपको टीवी का जितना भी कनेक्शन गाइड है, जो भी है, जितने भी एप्लीकेशंस वगैरह, जो भी आप कनेक्टिविटी करते हो, जितने भी डिवाइसेस आप कनेक्ट करते हो, सब आपको एक ही जगह पे मिलते हैं। और आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, इन एप्लीकेशन को आप अपने तरीके से आगे पीछे वगैरह भी कर सकते हो। इसके अंदर जो सबसे मेन उसके बाद हाईलाइट आता है इसकी पिक्चर क्वालिटी। पिक्चर क्वालिटी के अंदर आपको इसके प्योर कलर्स मिलते हैं विद HDR। प्योर कलर्स का मतलब है आपको जो कलर्स मिलते हैं वो बिल्कुल नेचुरल मिलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, आप एक सनफ्लावर का यहाँ पे कलर्स वगैरह देख सकते हो, बिल्कुल प्रॉपर येलो शेड्स जो है आपकी बिल्कुल प्योर नज़र आ रही है। इसी के साथ इसमें HDR का सपोर्ट भी मिलता है। HDR का मतलब होता है हाई डायनेमिक रेंज। हाई डायनेमिक रेंज वहाँ पे काम आती है जहाँ पे डार्क सीन्स होते हैं, वहाँ पे भी आपको बिल्कुल प्रॉपर डिटेल नज़र आती है। और या फिर आपका ज़्यादा ही ब्राइट सीन है तो उसके अंदर भी आपको बिल्कुल प्रॉपर डिटेल नज़र आएगी। इसके बाद हम इसकी बात करते हैं साउंड क्वालिटी की। साउंड क्वालिटी के लिए सैमसंग ने इसके अंदर आपको 20-20 वोट के स्पीकर्स दिए हुए हैं। तो आपको एक बार मैं इसकी साउंड भी सुनाना चाहूँगा। इसकी साउंड आपको बहुत ही क्लियर साउंड मिलती है, जिसके अंदर कोई भी वोकल क्वालिटी जो है लूज नहीं होती, बेस भी आपको ठीक ठाक मिलता है। तो ये थी इसकी साउंड क्वालिटी। अब बात करते हैं हम इसके फीचर्स की, जो सैमसंग में भरपूर फीचर्स आपको इस टीवी के अंदर दे रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर आपको टीवी पे ही PC on TV मिल जाता है। इसके अंदर जो आप अपनी आपकी LED है उसको एक कंप्यूटर की तरह भी आप यूज कर सकते हो, उसके अंदर भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। जैसे कि अभी मैं दिखाता हूँ आपको, इसके अंदर सबसे पहला है विंडोज़ PC। आप इस टीवी के ऊपर एक विंडोज़ PC को भी बड़े आराम से कनेक्ट कर सकते हो, वो भी वायरलेस। इसके अलावा अगर आपके पास एक मैकबुक है, आप उसको भी बड़े आराम से कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप उसको भी बड़े आराम से कनेक्ट कर सकते हो वायरलेस। अगर आपके पास आईफोन है तो उसको भी आप बड़े आराम से इसके साथ वायरलेस कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा सैमसंग डेक्स एक नई चीज़ है, इसके ऊपर प्रॉपर मैंने एक वीडियो बनाई भी हुई है, आप उसको इस लिंक से जाकर यहाँ पे देख सकते हो। वहाँ पे भी आपको पता लगेगा कि कैसे आप अपने पूरे मोबाइल को LED के अंदर पूरा ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसके अलावा आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसके अंदर पूरा का पूरा मिल जाता है, जो कि क्लाउड बेस्ड है। आप यहाँ पे अपनी फाइलें वगैरह बड़े आराम से बना सकते हो, वायरलेस कीबोर्ड और माउस भी बड़े आराम से कनेक्ट करने के बाद टाइपिंग बड़े आसानी से कर सकते हो। तो आपकी जो फाइलें हैं वो भी आपकी Samsung.com की जो क्लाउड सेविंग है वहाँ पर आपकी फाइलें सेव होती रहती है। उसके बाद अगर हम बात करें, इसके अंदर एप्लीकेशन सारी मिल जाती हैं आपको। यहाँ पे आपको कनेक्शन गाइड का ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ पे मतलब आपको जो भी आपने डिवाइसेस कनेक्ट की होती है उसके बारे में आपको प्रॉपर हेल्प मिलेगी। और इसके बाद जो नेक्स्ट इसके अंदर फीचर मिलता है आपको Samsung TV Plus, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, दोबारा फिर बताता हूँ आपको। Samsung TV Plus के अंदर आपको 55 से भी ज़्यादा जो फ्री टू एयर वाले चैनल हैं वो टीवी के अंदर ही मिल जाते हैं। जस्ट आपको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, चाहे आपके पास एक वाईफाई कनेक्शन हो या आप मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करके टीवी को इंटरनेट से कनेक्ट करने के बाद 55 से भी ज़्यादा जो फ्री टू एयर वाले चैनल हैं उनको आप टीवी के ऊपर ही देख सकते हो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ। इसके बाद आपको मिल जाता है इसके अंदर सर्च का ऑप्शन। यहाँ पे आप जो कंटेंट आपके जो सर्च कर रहे हो, मान लो आपको नहीं पता वो कहाँ पे मिलेंगे,
तो आप यहाँ पे कंटेंट गाइड के अंदर ही सर्च के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे सर्च करो, और जो भी आपका वो कंटेंट है जहाँ भी आपका पड़ा होगा वहाँ से आपका ये सर्च करके आपको उठा के दे देगा, चाहे वो किसी भी एप्लीकेशन पे हो, यूट्यूब पे हो, कहीं भी हो, वहाँ से आप सीधा यहाँ पे सर्च कर सकते हो। उसके बाद ऐप्स मिल जाती हैं, यहाँ से आप ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हो। सैमसंग टीवी प्लस आपको मैंने बताई दिया, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, यूट्यूब, इन सब का आपको पता ही है। इसके बाद आपको इंटरनेट ब्राउजर मिल जाता है। इसके अंदर जो इंटरनेट ब्राउजर सैमसंग ने इसके अंदर दिया है वो फुली सिक्योर एक इंटरनेट ब्राउजर है, जिसके अंदर आपको KNOX की सिक्योरिटी भी मिलती है, जिसका बेनिफिट ये है जो भी आप अपनी ईमेल्स वगैरह इसके अंदर आप ओपन करोगे वो टोटली सेफ रहेंगी, वो कहीं पे लीक नहीं होंगी। इसीलिए इसके अंदर सैमसंग ने उस चीज़ को बचाने के लिए KNOX की सिक्योरिटी दी है, जो कि बहुत ही फेमस सिक्योरिटी सेंटर है सैमसंग का। ओपन भी करके दिखा देता हूँ। तो ये है इसका इंटरनेट ब्राउज़र, जो कि बहुत ही यूनिक है, बहुत ही प्यारा इंटरनेट ब्राउज़र है। यहाँ पे आपको कोई माउस वगैरह की भी जरूरत नहीं है कर्सर को इधर उधर करने के लिए, आप अपने रिमोट से भी बड़े आसानी से कर सकते हो। इंटरनेट थोड़ा स्लो है, जैसे कि अभी इसका मेन पेज आ रहा है, ये है इसका देखो मेन पेज। यहाँ पे आप बड़ी आसानी से जो आपका कर्सर है जहाँ पे भी आपने सेलेक्ट करना होगा वहाँ पे सीधा जाता रहता है। जैसे कि ये देखिए, जहाँ पे भी आपने सेलेक्ट करना है सीधा वहीं जाता रहता है। तो ये एक स्मार्ट वेब ब्राउजर है। तो ये था इसका इंटरनेट ब्राउजर। उसके बाद आपको इसके अंदर टोन स्टेशन एप्लीकेशन मिल जाती है, जिसके अंदर आप वीडियोस गाने अगर आप देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे देख सकते हो, बट कभी अगर आप सिर्फ सुनना चाहते हो तो उसके लिए सैमसंग ने आपको टोन स्टेशन एक म्यूजिक प्लेयर इसके अंदर दिया है, जिसके अंदर आप गाना एप्लीकेशन के थ्रू ऑनलाइन सॉन्ग्स को भी बड़े आराम से सुन सकते हो, खुद की प्लेलिस्ट बना सकते हो, हिंदी टॉप, पंजाबी टॉप, इंटरनेशनल, हरियाणवी पंजाबी सब आ जाते हैं यहाँ पे, ओल्ड पुराने सब आ जाते हैं। उसके बाद आप ऑडियो मिररिंग कर सकते हो। इसका बेनिफिट है कि आप अपने मोबाइल से इसके अंदर अपने गाने भी सुन सकते हो इसके अंदर, क्योंकि आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलती है। वाईफाई कनेक्टिविटी तो है ही है इसके अंदर, साथ में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, जिसके अंदर आप अपने मोबाइल की साउंड LED में ले सकते हो, या फिर आप अपनी LED की साउंड किसी होम थिएटर या स्पीकर्स के अंदर भी बड़े आराम से ले सकते हो। आप होम थिएटर को भी इसके साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको इसके अंदर ऑप्टिकल वायर कनेक्टिविटी भी मिल जाती है, जिसके अंदर आपको एक ही वायर से जो है बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी मिल जाती है, आपको अलग अलग वायर्स का यूज़ करना नहीं पड़ता। उसके बाद अगर आपके पास एक पेन ड्राइव है तो आप पेन ड्राइव से भी आप यहाँ पे अपने गाने सुन सकते हो। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, थीम जिसके अंदर आप इसको अलग अलग कलर्स आ जाते हैं वो आप इसके अंदर लगा सकते हो, या फिर आप शोकेस मोड पर लगा के रख सकते हो, जिसके अंदर आपके बहुत सारे लाइव वॉलपेपर हैं जिनको आप यहाँ पे लगा के रख सकते हो। मैं एक्वेरियम का एक वॉलपेपर है जो मुझे काफ़ी पसंद है, वो मैं आपको लगा के देर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप इसके जो चैनल सॉन्ग्स हैं उनको आगे पीछे कर सकते हो, नेक्स्ट सॉन्ग लगा सकते हो। तो ये था इसका ट्यून स्टेशन एप्लीकेशन। इसके बाद अगर हम इसके रिमोट की बात करें तो मैं आपको रिमोट दिखाना चाहूँगा। कुछ इस तरह का इसका रिमोट है, देखने में दिखाता हूँ मैं आपको। ये आता है इसका रिमोट कंट्रोल, ये देखिए कुछ इस तरह का इसका रिमोट है, जिसके अंदर आपको नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और सैमसंग टीवी प्लस की हॉट की रिमोट पे ही मिल जाती है, और इसके ऊपर बटन्स भी बहुत कम मिलते हैं। जैसे नॉर्मल जो रिमोट है कुछ इस तरह का होता है टीवी का, आपने देखा ही होगा, बट इस टीवी के साथ आपको मिनिमल कीज़ वाला रिमोट मिल रहा है, जिसके ऊपर रिटर्न, होम, प्ले पॉज और यहाँ से नेविगेशन कीज़, ये सब आपको इसके ऊपर मिल जाता है। बहुत ही स्लिम रिमोट आपको इसके साथ मिलता है। इसके बाद आपको इसके अंदर ये स्मार्ट हब मिल जाता है, जिसके अंदर आपका एक ही जगह पे स्मार्ट हब के अगर डिटेल में बात करें तो एक ही जगह पे आपको सारे कंटेंट मिल जाते हैं। सैमसंग टीवी प्लस के ऊपर जो भी चल रहा है या आगे जो आने वाला है वो यहाँ पे आपको दिख जाता है। फ्री मूवीज ये बहुत सारी आपको मिल जाती है, प्राइम वीडियोज पे क्या नया चल रहा है, नेटफ्लिक्स पे क्या नया चल रहा है, जो भी ट्रेंडिंग में चल रहा था वो आपको यहाँ पे एक ही स्पेस पे मिल जाता है। इसके अलावा इसके अंदर आपको दो HDMI कनेक्टिविटी मिलती है, जिसके अंदर एक HDMI के अंदर ERC का सपोर्ट भी मिलता है आपको, इलेक्ट्रॉनिक ERC ऑडियो रिटर्न चैनल, वो भी आपको इसके अंदर सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा आपको एक ऑप्टिकल वायर का सपोर्ट मिल जाता है इसके अंदर, आप केबल भी इसके अंदर बड़े आसानी से लगा सकते हो, एक आप USB पेन ड्राइव भी आप इसके अंदर बड़े आसानी से लगा सकते हो। तो ये है इसकी कनेक्टिविटी। तो ये थी सैमसंग के 55AU7500 की कंप्लीट डिटेल। तो कैसा लगा आपको ये टीवी कमेंट्स में जरूर बताएं।
वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ हम इसी वीडियो को यहाँ पे क्लोज करते हैं। आगे आपको दोबारा हम किसी और नए प्रोडक्ट की नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तो चलिए, टाटा बाय बाय।